नमस्कार, मैं आपके साथ मनीषा और आप देख रहे हैं द उरई न्यूज। जिले को मिली 3 नई एम्बुलेंसों की सौगात, जिला अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उरई जालौन आज दिन शनिवार को डीएम मुख्यालय में योगी सरकार द्वारा प्राप्त 3 सरकारी एम्बुलेंसों का जिला अधिकारी राजेश कुमार पांडे व मुख्य चिकित्सा अधिकारी एनडी शर्मा के द्वारा उद्घाटन कर वह हरी झंडी दिखाकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी व एम्बुलेंस प्रोग्राम मैनेजर संतोष विश्वकर्मा से बात करने पर उन्होंने बताया कि पुरानी लाइफ ओवर हुई एम्बुलेंस की जगह सरकार द्वारा जिला जालौन में 3 एम्बुलेंस भेजी गई हैं, जिनका आज जिला अधिकारी महोदय द्वारा उद्घाटन किया गया। इन एम्बुलेंस के आने से स्वास्थ्य महकमे को मजबूती प्रदान हुई है। मरीज को जो सुविधा गाड़ी पुरानी होने के कारण देरी से मिल रही थी, वह अब जल्दी से मिलेगी और मरीज सही समय पर अस्पताल पहुंच सकेगा। इस अवसर पर एम्बुलेंस प्रभारी राजन यादव, प्रमोद अहिरवार व क्वालिटी ऑडिटर राम किशन मौजूद रहे। जो ये 3 एम्बुलेंस आई हुई हैं, तो क्या इससे आम जनमानस को कैसे फायदा मिलेगा और किस जगह कैसी क्या आई हुई है सर? सर, ये देखिए क्या है कि हमारी जो पुरानी एम्बुलेंस थी वो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, गाड़ी चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने सरकार से अपील की और सरकार ने हम लोगों को कुछ बहुत सारी एम्बुलेंस नहीं दी हैं। तो जो पुरानी एम्बुलेंस है उसको हटा करके हम लोग इस नई एम्बुलेंस को चलाएंगे, जिससे कि हमें पिकअप करने में, ड्रॉप करने में आसानी होगी और सुविधा होगी, जिससे कि हम मानव का कल्याण कर सकेंगे सही से। ठीक है सर।